हेलो यार्स, पेशेंट्स हमसे अक्सर पूछते हैं कि जब हमारा पित्ता जो गॉल ब्लैडर है वो रिमूव हो जाता है सर्जिकली, जब ऑपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद फिर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? क्या हमें मसला होगा, कोई डाइट के बारे में मसला होगा? और ये जो पित्ते का जो फंक्शन था वो उसको अब कौन परफॉर्म करेगा? तो सिंपल सी बात है कि जो पित्ता, पहले भी हमने एक्सप्लेन किया था, ये जो गॉल ब्लैडर है इसका फंक्शन सिर्फ स्टोरेज पर्पज का है, और ये जो बाइल होती है ये जिगर बनाता है, पित्ता नहीं बनाता। जिगर से जो बाइल इकट्ठा होता है, वो पानी जो इकट्ठा होता है, जो चर्बी को हजम करने के काम होता है, वो आके एक्चुअली गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और जब हम खाना खाते हैं और ये मेदे से जब अगली आंत में जाता है तो पित्ते को मैसेज मिलता है और वो सिकुड़ता है, और वो जो पानी उसने इकट्ठा किया होता है वो अंतड़ियों में आ जाता है और चर्बी को हजम करने के काम आता है। तो अब क्या होगा जब अब पिता है नहीं, अब उसका फंक्शन कैसे अब होगा? पहले तो बात यह कि पित्त ने पानी नहीं बनाना था, जिगर ने बनाना है। अब यह है कि इतनी क्वांटिटी नहीं होगी जितनी क्वांटिटी पहले वो स्टोर हुई हुई होती थी। पिता अब रिमूव हो गया तो अब उसका स्टोरेज फंक्शन खत्म हो गया, लेकिन पानी जो बाइल है वो जिगर से बननी है। अब ऐसे है कि वो थोड़ा थोड़ा पानी डायरेक्टली ड्यूना में जाता जाता है, अंतड़ियों में जाता है। इसलिए अब शुरुआत में, जब ऑपरेशन के बाद शुरुआत में हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं, 2-3 महीने तक आप लोगों ने जो चर्बी की जो गिजा है, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, पिज्जा है, तली हुई चीजें हैं, ये चीजें आप लोगों ने कम लेनी है। क्योंकि अब पित्ते वाला काम नहीं है जो स्टोर हो के एकदम ही पूरी बाल्टी की बाल्टी उंडेल दी जाए अंतड़ियों में। अब ऐसे समझ लें टूटी से ट्रिकल डाउन करके कतरा कतरा गिर रहा है, लेकिन शुरुआत में ये एहतियात करनी है। 2-3 महीने तक आपकी जो वो जिगर वाली नाली है जिसको सीबीडी बोलते हैं, वो फूल जाती है, वो डायलेट हो जाती है, और उसमें स्टोरेज कैपेसिटी, देन इट्स स्टोरेज कैपेसिटी बिकम इक्वल्स टू दैट ऑफ गॉल ब्लैडर, या नियरली इक्वल टू, उसके करीब करीब उसको स्टोर करना शुरू कर देती है। 3 महीने के बाद ये वाली जो मसला होता है कि चर्बी वाली गिजा खाएं और वो हजम नहीं होती क्योंकि वहां पे बाइल उतनी मिकदार में आ नहीं सकती, अब वो जिगर वाली नाली जो है वो इसको स्टोर कर रही होती है, और ये प्रॉब्लम जो पित्ते के स्टोरेज वाला प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो जाता है। तो ऐसा मसला नहीं होता। जब अब पित्त प्रॉब्लम कर रहा है, पथरियां हो गई हैं, तो उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसको ना निकाला जाए फट सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। लेकिन अगर पित्त निकाल दें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम 2-3 महीने के बाद ये सब कोई प्रॉब्लम बिल्कुल ही नहीं होना, तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर पित्त निकाल दें उस पथरियां थी, क्योंकि अब मसला ये अगर पित्त ना निकालें तो इसका फिर प्रॉब्लम ये होता है कि फिर पित्ता ही पथरिया बना रहा था, फिर उसमें जब जिगर का पानी आएगा, बाइल आएगा, वो फिर उस पथरियों में तब्दील हो जाएगा, हमें फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा पित्ते में से पथरिया निकालने के लिए। तो इसमें ये होता है कि इसमें हमें पित्ता ही पूरा निकालना होता है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं होती है। शुक्रिया।